नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त बाल भवन में मौजूद हूं। बाल महोत्सव 2023 का आज दूसरा दिन है और यहां पर आज जो है भिन्न भिन्न बच्चे यहां पर आए हैं जो एक के बाद लगातार एक के बाद एक ऐसी प्रस्तुति दे रहे हैं कि आपका मन मोह जाएगा। आप देखेंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति कैसे दे सकते, इतने कम समय में इतना अच्छा नृत्य कैसे कर सकते हैं। साथ ही नृत्य के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कला को कागज पर उकेरा है। आपको बता दूं, छोटे छोटे बच्चों ने मदर टेरेसा और हमारी प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी जो फोटो है वो बनाई है और बेहद सुंदर बनाई है। आइए आपको मिलवाते हैं इन ऐसे बच्चों से। से एक बार बात करवाते हैं सराय जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके प्रिंसिपल रविंदर मनचंदा जी से और साथ ही मॉडल संस्कृति स्कूल उनके प्रिंसिपल जो है सतेंद्र सौरज जी से। की प्रतियोगिताओं का दूसरा दिन है और मेरे साथ दो प्रिंसिपल्स हैं जो फरीदाबाद की क्या पूरे हरियाणा के करीम हैं। एक जो प्रिंसिपल है मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55 के हैं सतेंद्र सरोज जी, और दूसरा मेरे साथ हैं रविंद्र मनचंदा जी जो पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो मेरे साथ हैं। और बाल दिवस की एक्टिविटी में इन दोनों का इतना बड़ा हाथ है, मैं इनकी इतने दिल से तारीफ़ करता हूँ कि बाल दिवस की जो एक्टिविटियाँ हैं उनको सफल बनवाने में इनका महत्वपूर्ण सहयोग साथ हमेशा रहता है। बच्चे एक के बाद एक जो है प्रस्तुति दे रहे हैं, एक से बढ़कर एक दे रहे हैं, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? ये जो बाल परिषद है ये इसका मकसद ही है कि बच्चों की प्रतिभा सामने निकल करके आए, तो बच्चे अपनी तैयारी पूरे मन से करके आए हैं और उनका ड्रेस और आज उनका लेवल एक बहुत अच्छा बढ़ा है फरीदाबाद के अंदर, जो लोक कलाओं के लिए बहुत रुचि बढ़ी है। आप देखेंगे तो पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़ा है, तो मैं इनको अपने सुंदरलाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनका सफल आयोजन है और इसके कारण से जो ये कलाकारों को आज एक स्टेज मिल रहा है, ये पता नहीं इनको कितनी बड़ी उड़ान देगा, ये उसका पहला प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चे आगे चल करके अच्छे कलाकार बनेंगे और इस कला के माध्यम से अच्छे नागरिक भी बनेंगे। इससे माइंड भी इनका डेवलप होता है, इनकी फिजिकल ग्रोथ भी होती है, सभी तरह का इनका चहुमुखी विकास होगा। तो केवल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं या कोई खेल में भाग लेने वाले हैं, सबको सब कुछ करना चाहिए। आज के समय ऑलराउंड डेवलपमेंट से ही बच्चे की ग्रोथ होती है और सही मायने में देश की तरक्की भी तभी होती है। नमस्कार जी। सर, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनके मोटिवेशन के लिए क्या कहना? बाल कल्याण परिषद का बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिले और ये ऐसा मंच है कि यहाँ पर पूरे ज़िले के सारे प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ आते हैं, चाहे वो आर्ट्स में हो, डांस में हो, सिंगिंग में हो, एसे राइटिंग में हो, डेक्लेमेशन में हो। और ये जो बाल भवन अधिकारी हैं खत्री जी, इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इनकी टीम बहुत ही कर्मठ है और ये दिन रात लग के सभी स्कूलों को इन्वाइट करते हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर भिन्न भिन्न जो डेज़ हैं उनमें बड़े बड़े अतिथि आते हैं। आज भी हमारे बीच में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी थी और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आएंगे फिर वो स्टेट में जाएंगे, जो बच्चे स्टेट में फर्स्ट आएंगे उनको एडमिशन में भी प्रायोरिटी मिलती है, एडमिशन में अलग से मार्क्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो आते हैं उनको बहुत बड़ा मंच मिलता है, चाहे वो पेंटिंग में हैं, स्केचिंग में हैं, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर वो जब प्राइवेट स्कूलों से अपनी तुलना करते हैं तो उनको भी एक्सपोजर भी मिलता है भी हम भी उनसे अच्छा करें। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों में हैं, फिर भी हमारे बच्चे टैलेंट में किसी से कम नहीं है और ये बहुत बड़ा मंच प्रदान करें। खत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और इस तरह से बच्चों को एक्सपोजर मिलता है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है।